हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये सब फ्री का प्लांट यहीं से लिया है। तो देखिए कौन कौन सा है, कितना अच्छा प्लांट है ये सब। तो आप देख सकते हैं ये मदार है, तो एक छोटा सा ब्रांच इसका भी लगा देंगे क्योंकि ये भोले बाबा का बहुत ही प्रिय फूल है, तो इसे तो ज़रूरी होना चाहिए घर में। तो ये फर्स्ट नंबर पर मेरा टी का प्लांट मदार है, आप देख सकते हैं। नहीं सॉरी, ये मदार नहीं है, मदार तो ये है फ्रेंड्स, ये देखिए ये मदार है वाइट वाला, और इसका एक पर्पल भी होता है, तो वाइट ज़्यादा अच्छा होता है। और इसका नाम बोल रहा है फ्रेंड्स, अभी बताएंगे याद आएगा। तो ये मदार हो गया, और एक ये देखिए ये दूब हो गया। ये गणेश भगवान का प्रिय फूल है, और सभी देवी देवता पूजा पाठ में ये चढ़ता है, तो ये बहुत ही शुभ प्लांट है, तो इसे भी आप लगा लीजिए। और मदार का तो लगा लीजिए वाइट और पर्पल दोनों ही, लेकिन वाइट में वाइट ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको आप इतना बड़ा ब्रांच लगा दीजिए, और 3-4 साल के बाद इसको जब हम निकालेंगे जड़ से, तो इसमें गणेश भगवान की आकृति निकलती है। तो ये हो गया, और एक इसका नाम ही बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अभी बता देंगे याद आएगा तो। और एक ये देखिए कितना खूबसूरत, ये खाया भी जाता है, तो इसको भी हमने लिया है। और ये फ्रूट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा, देखिए ब्लैक कलर का, ये देखिए। इसका गांव में तो इसको हम लोग छोटे छोटे थे तो इसको बहुत खाते थे, बट कोइयाँ बोलते थे इसको, कितना अच्छा। तो एक हमने ये भी लिया है, तो यही सब आज हमने प्लांट लिया है फ्रेंड्स फ्री का लगाने के लिए, अपने यहीं से पास में ही से। मैं कहीं गई नहीं थी, आज यहीं से धतूरा। हाँ फ्रेंड्स, ये धतूर है, धतूरा इसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये धतूरा का प्लांट है, और ये मदार, ये धतूर, और ये बहुत ही शुभ होता है और भोले बाबा को चढ़ता है। तो और इसको लेकिन पेट्स और बच्चों से बचा के रखिए, इसमें जहर भी होता है, इन सब प्लांट को थोड़ा सा बचा के रखना है। तो आज मैं यही सब प्लांट लेके आई थी, ये सारे के सारे ही बहुत ही शुभ हैं, तो इनको आप ज़रूर लगा लीजिए। और ये सब मैं पूजा करूँगी तो भगवान जी को चढ़ा लूँगी। और देखिए कितना खूबसूरत इसका फूल होता है, देखिए। तो वहाँ पर मेरे गार्डन में जौनपुर में ये वाइट वाला मुझे नहीं मिला था, तो मैंने पर्पल ही लगाया है। तो यहाँ पर इतना सारा है कि मैं क्या बताऊँ, तो मैंने वाइट ले लिया है और कटिंग लगा दूँगी, और ये धतूरे को भी लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये धूप तो आपको पता ही है, पूजा पाठ में कितना शुभ होता है, हर काम में दूब और पान सुपारी जरूरत पड़ती है। और इस भटकुइयों को तो हम जरूरी लगा देंगे इसकी कटिंग, और आज इसको खाएंगे भी धो के। तो चलिए इन सब की कटिंग को हम लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग को हमने ले लिया, तो ये हमने दूब को ले लिया, और ये हमने ये दो धतूरे को ले लिया, धतूरे कटिंग आप देख सकते हैं। और ये मदार वाइट वाला ले लिया, और ये हमने लेंटाना को लिया है, बहुत ही खूबसूरत होता है, वैसे तो देसी है। और ये इतना सारा हमने फ्लावर को रख लिया चढ़ाने के लिए, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको पानी में डालते हैं, तो देखिए इसमें हम डाल देंगे सबको अभी, फिर शाम को देखते हैं कि कहाँ लगाना है। ये देखिए सभी को पानी में डाल दीजिए, आपको कोई भी प्लांट लगाना हो तो तुरंत। और ये देखिए ये जो भटकुइयाँ हैं, ये देखिए इसकी भी अगर एक कटिंग आप लगा दीजिए और इस तरीके से ब्लैक ब्लैक निकलेगा तो बहुत ही सुंदर ये लगेगा। और ये देखिए ये दूध जो है, ये देखिए इसे भी हम इसी में सबको डाल देंगे, ये देखिए, ये देखिए। तो सारे कटिंग को हमने इसमें डाल दिया, और इतना इतना सारा वेस्ट निकला है, इसको फेंक देंगे। तो बस ये छोटी सी मेरी यही वीडियो थी कि फ्री का प्लांट आप लेके
इस तरीके से ढेर सारा लगा लीजिए। और ये सारे ही बहुत ही शुभ और मेडिसिनल प्लांट हैं, तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में ऐड करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मेरा खरगोश यहाँ पे भी लखनऊ में भी सब आ गए हैं, और मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो एक ये बाहर आई है अभी, देखिए हनो हनो कुछ खाना मत, ये सब मेडिसिनल प्लांट है, खाना मत बिल्कुल नहीं, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ जल्दी से, हटाओ जल्दी नहीं तो खा लेगी। तो इस तरीके से देखिए पेट्स को आप बचाइए, और हमारी पेट्स भी आ गई है बाहर, अभी मेरी बेटियाँ ही वही लेके आ गई। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।